हेलो दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है और इसका उपयोग। ये पूरी जानकारी हिंदी में होगी जिससे कि सभी श्रोताओं को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और उसके क्या उपयोग हैं और यह हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए और इससे कमाई करने के लिए और लाभ अर्जित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों रिश्तेदारों सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे से मदद लेते हुए इन्फॉर्मेशन को आपस में बांटकर इसका सही उपयोग करते हुए इससे उचित फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है और इसका उपयोग। आज डीमैट अकाउंट सभी की आवश्यकता है और सभी को अपने बैंक अकाउंट खोलने की तरह एक डीमैट अकाउंट भी अपने पास एक रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत उपयोगी है एक साधारण व्यक्ति के लिए भी। पहली बार जब आप बॉन्ड, स्टॉक, शेयर या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करने लेते हैं, जिस प्रकार से आपको अगर अपने रुपए, पैसे, कैश जमा करना होता है तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको एक बॉन्ड खरीदना है, बॉन्ड जो है बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, स्टॉक भी आपको बैंक की तुलना में अधिक इंटरेस्ट देते हैं, अधिक लाभ आपको देते हैं, शेयर भी इसी प्रकार से बैंक इंटरेस्ट की तुलना में आपको बहुत अधिक रिटर्न देते हैं, या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो सवाल पूछा गया है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट खाता, ठीक है। तो क्या आपने समझा कि बॉन्ड खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, शेयर खरीदना है या इसी प्रकार की दूसरी वित्तीय प्रतिभूतियां जिसमें आपको ज्यादा लाभ अर्जित हो, इसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट खाता। आपको आश्चर्य हो सकता है कि डीमैट खाता का अर्थ क्या है, या जब आप किसी भी वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदते हैं या बेचते हैं या व्यापार करते हैं तो यह आपकी सहायता कैसे कर सकता है। तो पहली बार तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये डीमैट अकाउंट से आप कैसे व्यापार करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे बिक्री करेंगे अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं। तो चलिए और आगे जाने की कोशिश करते हैं। डीमैट खातों ऐसे इक्विटी या ऋण के रूप में अपनी वित्तीय प्रतिभूतियां नियंत्रित करता है। अपने निवेश के भौतिक रिकॉर्ड को पकड़ने के बजाय वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक डीमैट खाते में संग्रहित हैं। आप क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस देखने के लिए अपने बैंक खाते की तरह अपने डीमैट खाते तक पहुंच सकते हैं। तो साधारण रूप में मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो उसके लिए अगर आप पेपर वर्क करते हैं, कागज में अगर उन सब चीज़ों की खरीदी बिक्री करते हैं, तो यह आजकल बंद हो चुका है। आजकल सभी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं और इसी सब लेन देन का विवरण रखने के लिए, एक पुस्तिका के रूप में संचय करने के लिए आपको एक अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है और इसी को हम बोलते हैं डीमैट खाता। तो आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, ये सभी जानकारी आपके डीमैट खातों में संचित कर दी जाती है और यह पूरी कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया होती है। एक निवेशक विभिन्न वित्तीय प्रतिभूतियों को नियंत्रित कर सकता है, जैसे स्टॉक, शेयर, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, ई गोल्ड, बॉन्ड, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियां, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड इत्यादि। आप शून्य बैलेंस के साथ एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट में आप न केवल शेयर या स्टॉक खरीदी बिक्री कर सकते हैं, बल्कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड की भी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिबेंचर भी खरीद सकते हैं।
ये सब खरीदी बिक्री करने से इसमें आपको बैंक खातों की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे किसी डीमैट खाते के लाभ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप बैंक खाता क्यों खोलते हैं, तो इसका एक सीधा जवाब होता है कि बैंक खाता खोलने पर आप उसमें पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, तो पैसा जमा करने पर आपको ब्याज मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने पर आपको 4% से 5% तक का ब्याज मिलता है। वहीं अगर आप उसी सेविंग अकाउंट की से पैसे निकाल कर फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, तो आपको 6% से लेकर 7% तक ब्याज मिलता है। और सेविंग अकाउंट की तुलना में कई तरह के आप चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, कई तरह की डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट में आप शेयरों की खरीदी बिक्री, म्यूचुअल फंड और ऐसे कई चीज़ों की खरीदी बिक्री करके आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आपके वित्तीय गतिविधियों के भौतिक रिकॉर्ड रखने पर एक डीमैट खाता रखने के कई लाभ हैं। इसमें शामिल है चोरी, क्षति या धोखाधड़ी का कोई खतरा नहीं है। डीमैट खाते में अगर आपके खरीदी बिक्री की है तो वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर रहता है, तो अगर इसमें कोई खतरा नहीं है कि आपके पेपर कोई चुरा ले, आग से जल जाए, नष्ट हो जाए, तो इस सब बात से आपको सहूलियत मिलती है, क्योंकि सभी प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और एक केंद्रीकृत डिपॉजिटरी है। कहीं से भी हर समय सुलभ लेन देन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो आप अगर डीमैट खाता है तो किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। आसान पहुंच के लिए आपके सभी अलग अलग निवेश, ऋण या इक्विटी को रखने के लिए एकल मंच, तो एक ही अकाउंट नंबर की सहायता से आप विभिन्न प्रकार की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, जैसे शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कई तरह के ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होते हैं। आपको डीमैट खाते पर स्वचालित अपडेट मिलते हैं। वित्तीय प्रतिभूतियों की स्थिति में मैनुअल रूप से परिवर्तन पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तो डीमैट खाता होने पर आपको जो ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको हमेशा अपडेट मिलेंगे कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सभी जानकारियाँ आपको ईमेल और मोबाइल के माध्यम से तुरंत मिल जाएंगी। भौतिक बाजार स्थानों के विपरीत यहाँ तक कि एक शेयर खरीद बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जहाँ प्रतिभूतियों का केवल बहुत सारे में कारोबार होता है। तो डीमैट अकाउंट होने पर आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, दो शेयर भी कर सकते हैं, कितना छोटे छोटे अंश में अभी आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं, एक शेयर की भी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप शेयर फिजिकल फॉर्म में करेंगे, जैसे पेपर के फॉर्म में करेंगे, तो वही वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। निवेशक को किसी भी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं करना पड़ता। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्रेडिट वित्तीय प्रतिभूतियों का कोई भौतिक रिकॉर्ड आवश्यक नहीं है। यह निवेशक के लिए लागत को कम करने में मदद करता है। लेन देन करने के लिए कोई थकाव, कागजी कार्रवाई करने के लिए न्यूनतम है। इसमें आपको कोई पेपर फिल नहीं करना है, साइन नहीं करना है, इन सब चीजों से आप बच जाते हैं। एक डीमैट खाते द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न लाभों से निवेशकों और व्यापारियों की संख्या में तेजी आई है, जो वित्तीय प्रतिभूतियों की भौतिक रिकॉर्ड रखने के विरोध में अपने स्वयं के डीमैट खाते खोलना और संचालित करना चाहते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने से आज कार्य बहुत आसान हो गया है, और एक सामान्य व्यक्ति भी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है और बहुत जागरूक हो गया है। डीमैट खाते के उपयोग, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है।